हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन जी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिफरेंट एग्ज़ामों के लिए जैसे कि बैंकिंग रेलवे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं एमटीएस जीडी वगैरह के लिए उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो लोग इंडियन जी को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए जानते हैं क्वेश्चनस को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ट मतलब जो पाँचवीं जनरेशन की जो कंप्यूटर्स है वो किन चीज़ों पे बेस्ड है किन चीज़ों पे आधारित है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड बोथ वन एंड फोर दैट मीन्स फोर्थ नंबर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और थर्ड में सेमीकंडक्टर कंडक्टर बेस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ वन एंड फोर दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ट है और दूसरा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये दोनों चीज़ों पे बेस्ट है जो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंटी वायरस इज़ ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज फॉर मतलब एंटी वायरस का यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है कंप्यूटर्स में तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में रिमूव मालवेयर इन्फेक्शन ऑन कंप्यूटर्स सेकेंड गेट राइड ऑफ वायरसेस बाय डिलीटिंग और आइसोलेटिंग इट थर्ड प्रिवेंट डिटेक्ट वायरसेस फ्रॉम योर कंप्यूटर और फोर्थ में ऑल ऑफ दिज तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये ऑल ऑफ दिज होगा इसका राइट ऑप्शन इन सभी चीज़ों से कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है जैसे मालवेयर अटैक हो गया और ये वायरस अटैक हो गया ये सभी चीज़ों से कंप्यूटर को बचाने के लिए एंटी वायरस का यूज किया अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम करता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टच स्क्रीन सेकंड एलसीडी प्रोजेक्टर पैनल थर्ड ऑडियो कार्ड्स और फोर्थ मॉडेम तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा जो टच स्क्रीन जो है ये दोनों का काम करता है आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है और इनपुट डिवाइस का भी काम करता है इनपुट कहने का मतलब जैसे कि कोई टाइपिंग वगैरह करके इसमें एंट्री करना और प्लस आउटपुट कहने का मतलब जो उससे जो रिजल्ट आता है वो देखना तो ये दोनों का काम कौन करता है ये टच स्क्रीन के द्वारा किया जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लॉजिकल सॉरी लॉजिक गेट मतलब इनमें से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स नैंड और थर्ड और और फोर्थ में एक्स नोर तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा एक्स नैंड इसका मतलब ये कोई लॉजिकल गेट नहीं है बाकी ये सभी एंड और एक्स नोर ये सभी लॉजिकल गेट्स हैं जो कंप्यूटर में मतलब ये एक लैंग्वेज टाइप का है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द सी ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मतलब एक सी में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो पूछ रहा है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में ए एल यू कंट्रोल यूनिट एंड मोनिटर सेकेंड ए एल यू कंट्रोल यूनिट एंड हार्ड डिस्क थर्ड ए एल यू एंड कंट्रोल यूनिट और फोर्थ में ए एल यू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ए एल यू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स ये सभी एक सी में रहते हैं कंप्यूटर के सी पी का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ए का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इतनी चीज़ें याद रखें अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूनिक्स जावा औरल और एम ऑफिस तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ये यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह विंडोज़ एंड्रॉयड वगैरह ये सब लिनाक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी प्रकार यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी एन एस एग्जिस्ट ऑन न्यूमरस सर्वर्स ओवर द इंटरनेट वाट डज डी एन एस अस्टेंट फॉर्म मतलब डी एन एस का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सर्वर सेकेंड डोमेन नेम सर्वर थर्ड डेस्टिनेशन नेम सर्वर और फोर्थ डोमेन नेम सिस्टम तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम होता है डी का फुल फॉर्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन मतलब एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस सेकंड आउटपुट डिवाइस थर्ड इनपुट डिवाइस और फोर्थ मेमोरी डिवाइस तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर टू इसका सही उत्तर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द वेरी टॉप ऑफ द पेज इन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉन एज मतलब जो एक डॉक्यूमेंट के पेज में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में फोटर सेकेंड में हेडर थर्ड में टैब और फोर्थ में नेविगेशन तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू जिसको हेडर बोला जाता है एक डॉक्यूमेंट का जो ऊपरी टॉप पोर्शन होता है उसको हेडर बोला जाता है अब नेक्स्ट जानते हैं और इसी का जो ये मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट का है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है हेडर कहलाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है इसको फूटर बोला जाता है इतना चीज़ें याद रखें और ये बीच वाला पार्ट जिसमें सारी चीज़ें टाइपिंग की हुई रहती है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कीबोर्ड शॉर्टकट टू एड ए न्यू स्लाइड टू योर एम एस पावर पॉइंट प्रजेंटेशन इज मतलब एक न्यू स्लाइड को एड करने के लिए एम एस पावर पॉइंट में किस चीज़ का यूज किया जाता है कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में कंट्रोल प्लस एन सेकेंड कंट्रोल प्लस एम थर्ड कंट्रोल प्लस ओ और फोर्थ कंट्रोल प्लस एस तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू कंट्रोल प्लस एम का यूज़ किया जाता है न्यू स्लाइड को एड करने के लिए एक पावर पॉइंट में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फाइल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर सर्वर टू योर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मतलब किस प्रोसेस में एक फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करके मतलब प्राप्त करके अपने कंप्यूटर में आता है तो उसको क्या बोला जाता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में अपलोडिंग सेकेंड डाउनलोडिंग थर्ड सेंड और फोर्थ रिक्वेस्ट तो इसमें राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right ऑप्शन होगा मतलब डाउनलोडिंग करके ही हम इंटरनेट से कुछ भी अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या फिर फ़ोन में सेव कर पाते हैं तो उसी को डाउनलोडिंग बोला जाता है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर वाट अप्लीकेशनस इज द एस टी टी पी प्रोटोकॉल यूज मतलब एस टी टी पी प्रोटोकॉल का यूज किस में किया जाता है कि कौन से एप्लीकेशन में किया जाता है अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज अपलोड स्पीड सेकंड डेवलप वेबसाइट थर्ड यूज्ड टू डिलीवर डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब और फोर्थ यूज्ड टू डाउनलोड इमेज एंड डाटा तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट right ऑप्शन होगा यूज टू डिलीवर डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में डाटा को डिलीवर करने के लिए एच का यूज किया जाता है जिसका ये एच प्रोटोकॉल जो होता है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए फिल इन द ब्लैंक्स यूनिकली आइडेंटिफाइज डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब मतलब किसके द्वारा डिफरेंट वेबसाइट को आइडेंटिफाई किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब में इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मैक एड्रेस सेकेंड वाईफाई थर्ड डोमेन नेम और फोर्थ प्रोटोकॉल तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड दैट मीन्स डोमेन नेम का यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ ए फायरवेल कंप्यूटर मतलब फायरवेल कंप्यूटर क्या है ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क सेकेंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क थर्ड ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एस और फोर्थ में ए वेब ब्राउजर तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री होगा इसका राइट right ऑप्शन जो कि एस सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एस के लिए फायरवेल का मतलब ये यूज होता है अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय मतलब विंडोज़ क्या है और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल टास्किंग कॉमा माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड जी ओ आई कोमा इंटेल और थर्ड में मल्टी टास्किंग कोमा इंटेल और फोर्थ में दिया हुआ मल्टी टास्किंग कामा माइक्रोसॉफ्ट तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right ऑप्शन होगा दैट मीन्स मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ को डेवलप किया गया है तो दोस्तों ये था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एम टी एस वगैरह उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग इंडियन जेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू थैंक यू दोस्तों